नमस्कार, बोलते तारे आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। राशिफल एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से आपके जीवन में क्या होने वाला है आप जान सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि भले ही दो लोग एक दूसरे से बेहद प्यार करते हो और एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, लेकिन जीवन में कभी ना कभी ऐसा मौका आ सकता है कि रिलेशनशिप में दूरी आने लगती है। अगर पार्टनर से दूरी किसी कारण से हो तो उसे सुलझा सकते हैं या रिश्ते के बीच आने वाली परेशानियों को दूर किया जा सकता है। लेकिन जब बिना वजह लोग अपने पार्टनर से दूरी महसूस करने लगे तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में कपल एक दूसरे से ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं और एक दूसरे के बिना ही अधिक वक्त बिताने लगते हैं और एक दूसरे से अनजान होने लगते हैं। समझ नहीं आता है कि जब दोनों के बीच कोई समस्या ही नहीं है तो रिश्ते में दूरी क्यों है और इसको कम करने के लिए क्या तरीका है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आज मैं आपको उपाय बता देती हूँ और चलिए उपाय पर नजर डालते हैं। रिश्तों के बीच पार्टनर को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए जिससे रिश्तों के बीच मजबूती बने रहे। सम्मान ही एक ऐसी चीज है जो आपके बीच संबंधों को मजबूती को और ज्यादा मजबूत करती है। इससे आपके रिश्ते में आने वाली हर खटास दूर हो सकती है। इसलिए अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो बेहद जरूरी है कि एक दूसरे के प्रति सम्मान का नजरिया रखना। अगर आपका पार्टनर से किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा है तो इसे दूर करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि बातचीत से आप रिश्तों के बीच के मतभेद को आसानी से दूर कर सकते हैं। बातचीत शुरू करने की पहल आप खुद करें। एक दूसरे से बातचीत के जरिए अपनी भावनाओं को साझा करें। यदि कोई खामियां है तो उसे ठीक करने का प्रयास करें और यदि कोई कन्फ्यूजन है तो उसे तुरंत दूर करें। रिलेशनशिप में पार्टनर को कभी भी एक दूसरे को छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटे समझने का तात्पर्य यह है कि कई बार लोग अपने पार्टनर को गंभीरता से नहीं लेते हैं। अगर अपना पार्टनर ही आपके लिए कुछ कर रहा है तो उसे अहमियत दे। अहमियत देने से रिश्ते और ज़्यादा मजबूत होते हैं और आपसी प्यार भी बढ़ता है। अगर आपके कोई गलती की है तो उसे तुरंत स्वीकार कर ले। ऐसे करने से आपका रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत होगा। रिश्ते में विश्वास का होना बहुत जरूरी है। रिश्ता कोई भी हो, अगर उसमें विश्वास हो तो रिश्ता हमेशा अटूट बना रहेगा। यदि रिश्तों के बीच संदेह और अविश्वास की स्थिति बनने लगे तो मजबूत से मजबूत रिश्ता पल भर में बिखर सकता है। तो ये थे छोटे छोटे टिप्स। देखिए, कई घरेलू उपाय भी होते हैं, लेकिन रिश्ता अगर खराब होता है या ऐसी स्थिति में आ जाता है तो कारण आप भी हो सकते हैं। इसलिए इन उपायों को करें और अपना स्वभाव अच्छा से अच्छा रखें। अपने जीवन साथी के साथ अच्छा स्वभाव रखें और खुशी से रहें। इस उपायों को करने के बाद आप देखेंगे आपके रिश्तों में कितनी मिठास आती है, कितनी सफलतापूर्वक आपका रिश्ता आगे बढ़ता है। और चलिए मेष राशि की बात करते हैं। जीवन साथी की तलाश कर रहे लोगों को आज अपने मामा पक्ष की ओर से कोई शुभ संकेत मिल सकता है, लेकिन आप उत्तेजित होने से बचें। आपका शुभ रंग आसमानी है और आपका शुभ अंक 3 है। चलिए मेष के बाद बात करेंगे वृष राशि की। कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों को आज अपने करियर को लेकर चिंता रहेगी और आगे क्या कर रहे हैं इसको लेकर मन में संशय बना रहेगा। ऐसे में अपनों से बड़ों का परामर्श अवश्य लें। और चलिए आपका शुभ रंग और अंक जान लेते हैं। आपका शुभ रंग लाल है और शुभ अंक 9 है। और चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को अपने सहकर्मियों का भरपूर साथ मिलेगा जो उनके मन को आनंदित कर देगा। राजनीति के लोगों के साथ किसी तरह के वाद विवाद से बचें। और चलिए आपका शुभ रंग और अंक जानते हैं। आपका शुभ रंग नारंगी है और शुभ अंक 4 है। चलिए बात करेंगे कर्क राशि की। घर में धार्मिक अनुष्ठान होने की संभावना है या आप अपने परिवार वालों के साथ मिलकर शाम में मंदिर जाने का कार्यक्रम भी बना सकते हैं। चलिए आपका शुभ रंग और अंक बता देती हूँ। आपका शुभ रंग काला है और शुभ अंक 9 है। चलिए कर्क के बाद सिंह राशि पर नजर डालते हैं। जॉब में अपने सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा और आपको अपने काम में आसानी होगी। बॉस भी आपके काम से खुश दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग बैगनी है और शुभ अंक 5 है। चलिए अब कन्या राशि की बात करते हैं। छात्रों का मन पढ़ाई के साथ साथ अन्य रचनात्मक कार्यों में भी लगेगा और आप अपनी रुचि के अनुसार उनके सुधार लाने का प्रयास करेंगे। इसमें आपको अपने माता पिता का भी साथ मिलेगा। आपका शुभ रंग और अंक जान लेते हैं। आपका शुभ रंग संतरी है और शुभ अंक 6 है।
चलिए अब बात करेंगे तुला राशि की। मानसिक रूप से कोई चिंता घेरे रहेगी जिससे आपके सिर दर्द की शिकायत रह सकती है। ऐसे में किसी अपने के साथ मन की बात अवश्य साझा करें। आपका शुभ रंग और अंक जान लेते हैं। आपका शुभ रंग पीला है और शुभ अंक 1 है। और तुला के बाद बात करेंगे वृश्चिक राशि की और जानेंगे वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र आज के दिन अपना आत्म मंथन करेंगे और भविष्य को लेकर पहले से ज्यादा सतर्क रहेंगे। सीनियर्स का मार्गदर्शन भी बहुत काम आएगा। चलिए आपका शुभ रंग और अंक आपको बता देती हूँ। आपका शुभ रंग नीला है और शुभ अंक 2 है। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। जिनका विवाह हो चुका है उनके लिए आज का दिन आनंददायक रहेगा और आपके अपने जीवन साथी के प्रति विश्वास और मजबूत बनेगा। आपका शुभ रंग लाल है और शुभ अंक 3 है। और चलिए बात करेंगे मकर राशि की और जानेंगे मकर राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। अचानक से धन प्राप्ति के योग है, लेकिन इसके लिए आपको सजग रहना आवश्यक है, अन्यथा यह अवसर आपके साथ से निकल जाएगा। आपका शुभ रंग और अंक जान लेते हैं। आपका शुभ रंग गुलाबी है और शुभ अंक 4 है। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। पुराने मित्र से भेंट संभव है जो आपकी यादों को ताजा कर देगा। शाम के समय कहीं आसपास घूमने जाने का भी प्लान बन सकता है। चलिए आपका शुभ रंग और अंक बता देती हूँ। आपका शुभ रंग भूरा है और शुभ अंक 8 है। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि की। स्कूल में पढ़ रहे छात्रों को अपने टीचर से किसी बात को लेकर डांट पड़ सकती है जिससे उनका मन उदास रहेगा। ऐसे में पूरी मेहनत करें और अच्छा नंबर लाए। चलिए आपका शुभ रंग और अंक बता देती हूँ। आपका शुभ रंग सलेटी है और शुभ अंक 7 है। बोलते तारे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।